वनांचल ग्रामों में डायरिया के प्रकोप, इलाज के अभाव में एक बैगा आदिवासी की मौत। गांव पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन ने संभाला मोर्चा। लोरमी मुख्यालय के अंतर्गत सुंदर वनांचल महामाई ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम डांगानिया में इन दिनों डायरिया के प्रकोप चरम पर है, जहां एक बैगा आदिवासी की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जहां जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन की टीम मोटर बोट के द्वारा मौके पर पहुंचकर इलाज शुरुआत कर दी है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश गुर्रे ने बताया, लोगों को समझाया जा रहा है कि प्रदूषित पानी ना पिए और गर्म खाना के साथ गर्म पानी का उपयोग करें। पैकेट में ओआरएस घोल करते हैं, कोई दस्त होते उल्टी होते घोल के है ना, एक गिलास उसमें प्रूफ डाल के गोलरा खेरी है ना, 24 घंटा काम करी, फिर दूसरे दिन फेंक देना, अगर नहीं उपयोग हो थोड़ थोड़ देर में पियत रहना है ना, लगीता ठीक है ना, बाकी घर में सब रखे रहते घर में घर के रखे रहते। डायरिया के प्रभावित होने की पहले भी एक आध हफ्ते से चल रहा है और हम लगातार उस पर शिविर लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर, एक मौत हुई है उस समय। और झिरिया का पानी जो खराब पानी आमतौर पर उसके पीने के कारण ये पूरे गांव में डायरिया फैला था, पर अभी नियंत्रित में है और हमारी टीम पूरे लगातार वहां पर जा रही है। हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और जैसे शासन प्रशासन चाह रही है उस हिसाब से हम लोग स्वास्थ्य विभाग पूरे हमले के साथ लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लगातार 24 घंटे हमारा यहाँ पर नाव से भी आना जाना चल रहा है, हमारे अधिकारी लोग आज भी हमारे पूरे जिले के हमारे विकासखंड के SDM CMHO BMO सभी लोग गए हुए हैं। एक बड़ा शिविर भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि 100% लोगों की जान बचाई जा सके और पूरी जन जागरूकता के साथ लोग गर्म पानी पिए, गर्म भोजन करें और डायरिया की स्थिति को नियंत्रण में करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है, बिल्कुल ORS का घोल 70 पैकेट सब लोग अवेलेबल कराए गए हैं, सभी घर में दवाओं भी उपलब्ध कराए गए हैं, मितानिनों की दवा पेटी पूरी तरह से फुलफिल की गई है, गांव में पर्याप्त दवाओं का स्टॉक रखा जा रहा है, जो भी पहुँचवीन गाँव है यहाँ पे। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि वनांचल में लोगों की डायरिया और किसी अन्य प्रकार के बीमारी से कोई भी नुकसान ना हो। निचले स्टाफ को किस तरीके से निर्देश देंगे यहाँ पर? बता दें ATR के वनांचल ग्राम में बसे यह गांव व्यवस्थापन के फांस में फंसे हैं। ATR के 25 गांव को हटाना था, जहां 6 गांव का ही व्यवस्थापन किया गया, 19 गांव अभी भी अधर में लटके हुए हैं, जहाँ प्रशासन के द्वारा कार्य पर प्रतिबंध लगाने से आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बरसात के महीने में आवागमन हो जाते हैं ठप, जिसके चलते यहां समय पर इलाज की सुविधा नहीं मिलने से एक बैगा की मौत हो गई। वहीं उसके परिवार के अन्य लोगों सहित कई ग्रामीण डायरिया की चपेट में हैं। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि हर स्तर पर बैगा आदिवासियों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे प्रशासनिक टीम को लगाया गया है। डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए कोई दिशा निर्देश? प्रशासन को लगातार निर्देशित किया गया है कि मलेरिया और मौसमी बीमारियों से डायरिया जैसी बीमारियों के रोकथाम के लिए पहले भी हमारा प्रशासन अलर्ट रहा है और जहां कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिल रही है हमारी प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। ठीक। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट, देखते रहिए CG Vision TV।